नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऑफिस के बारे में। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऑफिस किस प्रकार का होना चाहिए, क्यों ऑफिस के अंदर बैठे हुए व्यक्ति के काम समय पे पूरे नहीं होते, क्या कारण बनता है, चाहे वो स्टाफ है या ऑनर है। स्टाफ है अपने लेवल पर जो काम करता है उसका काम पूरा नहीं होता, ऑनर है ऑनर का भी काम पूरा नहीं होता, तो ऐसा क्यों होता है आज मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा। आप स्क्रीन पर इमेज को देखिए, ध्यान से देखिएगा। ये एक ऑफिस है, ऑफिस में जो सीटिंग है वो सीटिंग यहाँ पर है, सामने अपना कंप्यूटर लगा हुआ है, साइड में वार्डरोब लगी हुई है, फाइल रैक्स लगे हुए हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस ऑफिस में कहाँ पर क्या कमी है, देखिए जो व्यक्ति इस सीट पर बैठता है उसके बैक साइड में ये एक विंडो बनी हुई है, ये विंडो है इतनी। और वास्तुशास्त्र के अनुसार जब भी किसी भी व्यक्ति के पीठ पीछे विंडो आ जाती है, कांच आ जाता है, खिड़की आ जाती है, तो इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति के काम समय पे पूरे नहीं होते, समय भी ज़्यादा लगता है, पैसा भी ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, बेवजह की टेंशन उस ऑफिस में उस सीटिंग पर बैठने वाले व्यक्ति को होती है, चाहे उस सीट पर ऑनर बैठा हो या कोई स्टाफ का मेंबर बैठा है, उस व्यक्ति के काम समय पर पूरे नहीं होते। आपके साथ ऐसा हो रहा है तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो पीठ पीछे खिड़की है इस खिड़की को अच्छे तरीके से बंद करें, या आप अपनी चेयर को यहाँ से हटाकर दूसरी जगह रखें। दूसरी जगह कहाँ रखें, आपकी चेयर साउथ वॉल के साथ आनी चाहिए या वेस्ट वॉल के साथ आनी चाहिए, आपका फेस चेयर पर बैठने के बाद नॉर्थ की ओर होना चाहिए या ईस्ट की ओर होना चाहिए, साउथ की ओर या वेस्ट की ओर फेस आपका नहीं होना चाहिए, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। इसी के साथ ऑफिस के अंदर कभी भी जिस तरीके से ये टेबल पर सामान फैला हुआ है, यहाँ पर वायर्स फैली हुई है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इनको प्रॉपर तरीके से आप मैनेज करेंगे तो भी आपके काम समय पर पूरे होने शुरू हो जाएंगे। अब मैं आपको जो पीठ पीछे खिड़की लगी हुई है, जो कांच लगा हुआ है, इसकी रेमेडी बताना चाहूँगा। आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आप यहाँ से अपनी सीट को चेंज नहीं कर सकते, तो जो शीशा है शीशे के ऊपर आप क्रीम कलर का पेपर लगाएं, उसके ऊपर एक कर्टन लगाएं। कर्टन कैसा लगाएंगे, जितना आपका शीशा है खिड़की है उससे बड़े साइज़ का आपने पर्दा लगाना है। पर्दा आपका थिक होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, जिससे कि रोशनी आपके कैबिन के अंदर ना आए। ऐसा करने से भी आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। ये छोटा सा उपाय आप अपने ऑफिस में ज़रूर करके देखें, मेरा अपना मानना है कि आपके काम जरूर बनेंगे। मैं हमेशा ही आपको वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की जानकारी देता रहता हूँ। आप ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हैं तो ये उपाय करके ज़रूर देखिएगा। कहीं से कहीं तक आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा तो ये उपाय जरूर करें। मेरा अपना जो 24 सालों का अनुभव है उसमें मैंने खूब देखा है, जो व्यक्ति जिस सीट पर बैठा है और उसके पीठ पीछे खिड़की है या दरवाज़ा है, तो उस व्यक्ति के काम समय पर पूरे नहीं होते, और जैसे ही सीटिंग चेंज कर देते हैं या ये उपाय कर लेते हैं तो वहाँ पर उस व्यक्ति की सीटिंग ठीक हो जाती है, उस व्यक्ति के काम बनने शुरू हो जाते हैं। आप अपनी किसी भी साइट के प्रति हमसे ऑनलाइन सलाह लेना चाहते हैं तो आप अपनी साइट का मैप भेजकर हमसे ऑनलाइन सलाह ले सकते हैं, और आप अपने किसी भी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप भी बनवा सकते हैं, और आप हमें साइट विज़िट के लिए इन्वाइट करना चाहते हैं तो साइट विज़िट के लिए भी इन्वाइट कर सकते हैं। आर्किटेक्ट हैं या आर्किटेक्चर के स्टूडेंट हैं, या आप इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, या आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं, या आप एस्ट्रोलॉजर हैं, या आप कॉन्ट्रैक्टर हैं और वास्तुशास्त्र में रुचि रखते हैं, वास्तु सीखना चाहते हैं, तो आप हमारी पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो इसे मंगवा सकते हैं।
हमारी यह पुस्तक सिंपल और सरल भाषा में लिखी गई है, हिंदी भाषा में लिखी गई है, जिसे आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान खुद भी कर सकते हैं। हमारे पिताजी ने इस पुस्तक को प्रिंट कराकर समाज में बांटा और समाज ने इस पुस्तक को पढ़कर भरपूर लाभ भी उठाया और वास्तु के प्रति जागरूक भी हुए। मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर करें। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर 380 प्लस वीडियो अपलोड की हुई है। आप मेरी वो सभी वीडियो भी देखकर अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकते हैं। मैंने अपनी हर एक वीडियो में वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव के ऐसे सरल उपाय बताए हैं जिसे आप अपने यहाँ पर कर सकते हैं। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।